सब्सक्राइब करें मेरा चैनल टेक इन्फोमेनिया, ताकि आप रहे अप टू डेट मेरी वीडियो से जो होती है स्टॉक फर्मवेयर और कस्टम रॉम फ्लैशिंग की और अनबॉक्सिंग मोबाइल फोन्स एंड अदर गैजेट्स की। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्फोमेनिया। और आज की वीडियो में मैं डोकोमो जापान गैलेक्सी S5 को रूट कैसे करते हैं वो उसका तरीका बताऊंगा। और सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका गैलेक्सी S5 जो जापान डोकोमो है मैशमेलो में होना चाहिए लाजमी 6.0.21 पे, राइट। बैक कीजिएगा और रूट करने का वजह क्या है, ये जो छोटा सा साहब आपको चलता हुआ दिखा रहे हैं, ये मुझे इसको फ्रीज़ करना है, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। और इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस है डोकोमो जापान गैलेक्सी S5 में जो किसी काम की नहीं, लाइक ये आप देख सकते हैं डोकोमो एंड दिस एंड देयर आर मोर, जो हमारे किसी काम की नहीं। और इसको फ्रीज़ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी रैम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो स्टोरेज कंज्यूमिंग बाई दिस ऑल सॉफ्टवेयर। और इसको जो है फ्रीज रूट के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सबसे पहले जो है वो एक फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी, जो मैंने लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करें और फाइल को डाउनलोड करें, एक फोल्डर में सेव करें। और वो फाइल होगी ये वाली CF Auto Root और SC04F, लाइक ये मॉडल नंबर है SC04F, अभी आपको मैंने सेटिंग में दिखाया भी। तो आप इसको पहले अनजिप कीजिएगा, अनजिप करने के बाद आप इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा और आपको यहाँ ऑडिन नज़र आ रहा है। इसी सॉफ्टवेयर के साथ, रूटिंग वाले सॉफ्टवेयर के साथ ये ऑडिन आता है और आपको इसी ऑडिन को डबल क्लिक करके ओपन करना है। फिर उसके बाद आप AP पे क्लिक कीजिएगा और ये उस फोल्डर में जाएगा जिस फोल्डर में आपने सेव किया था वो फाइल। अब ये लाजमी ख्याल कीजिएगा, अगर आपके पास CF Auto Root पहले आप यूज़ कर चुके हैं किसी और गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी पे, लाइक नोट 3 या नोट 4, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब ऑर्डिंग खोलते हैं CF Auto Root वाला, तो वो दूसरे फोल्डर में होता है, लाइक नोट 3 के CF Auto Root वाले फोल्डर में होगा। तो आप इसको चेक कीजिएगा, लाइक अब यहाँ जो है डोकोमो S5 SC04F के मैं फोल्डर में मौजूद हूँ और ये फ़ाइल आप देखिएगा यहाँ पर, ये लाजमी SC04F की फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। ओपन करें, सेलेक्ट हो गया है, ऑर्डिन रेडी है। अब हम अपने सेट को स्विच ऑफ करेंगे और ऑर्डिन मोड में इसको बूट करेंगे, ताकि हम इस गैलेक्सी S5 जो डोकोमो का है इसको हम रूट कर सकें। आई होप कि रूट हो जाए। आपका सेट जब प्रॉपर ऑफ हो जाए तो ऑर्डिन मोड में बूट करने के लिए वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखिएगा, होम की को दबा के रखिएगा और सेट को स्विच ऑन करें। तीन कीज दबा के रखिए, जब ये स्क्रीन सामने आ जाए तीनों कीज को रिलीज़ कर दीजिएगा। वॉल्यूम अप की एक बार दबाइएगा कंटिन्यू करने के लिए और ये सेट जो है वो ऑर्डिन मोड में बूट हो चुका है। आप देख सकते हैं G900D यही मॉडल नंबर होगा आपके पास, अगर आप डोकोमो जापान गैलेक्सी S5 यूज़ कर रहे हैं और आप रूट करना चाह रहे हैं। आपके पास सैमसंग ऑफिशियल होगा, जो कि ये इसके जो बाइनरी शो हो रहे हैं एंड सारे जो थिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑफिशियल है, ठीक है जी। गैलेक्सी S5 को कनेक्ट करेंगे, बट यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि सैमसंग एंड्रॉयड ड्राइवर का इंस्टॉल होना विंडोज़ में ज़रूरी है। अगर आप फ्लैशहॉलिक हैं, आप फ्लैशिंग करते हैं, तो फिर तो आपके पास ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल होगा विंडोज़ में। इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम ये रूटिंग कर रहे हैं, तो मैं लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप वहाँ से सैमसंग एंड्रॉयड USB ड्राइवर डाउनलोड करके सबसे पहले सेटअप की फ़ाइल चलाइएगा अपने विंडोज़ में, उस फाइल को इंस्टॉल कीजिएगा ड्राइवर वाली फ़ाइल को, और फिर उसके बाद मैं जो प्रोसीजर मैंने आपके सामने किया ये फिर बाद में कीजिएगा। जब आप कनेक्ट करेंगे और आपका ड्राइवर इंस्टॉल होगा आपके विंडोज़ में, तो ऑडिन शो करेगा कि आपका सेट कनेक्ट हो चुका है, और अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो ऑडिन कनेक्ट नहीं करेगा।
जैसे आप देख सकते हैं कि ऑडिन ने शो कर दिया है कॉम 3 और ये कनेक्टेड हो चुका है और ये मेरा ड्राइवर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तभी ही जो है ऑडिन ने कनेक्ट किया। अब आप सिंपल स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा और रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी रूटिंग वाली फाइल की। रीसेट हुआ, अब सेट जो है वो रूटिंग का प्रोसेस अब शुरू होगा। ऑडिन से हमारा काम ख़त्म, हम ऑडिन को बंद कर सकते हैं और आप सेट को डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। और सेट जो है वो रीस्टार्ट होगा रूटिंग कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद ही आपको ये नज़र आएगा येलो कलर में सेट वारंटी बिट, आगे कर्नल लिखा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेट एक बार बूट शुरू करेगा दोबारा से आई गेस के रीस्टार्ट होगा। और फाइनली बूटिंग शुरू हो गई है, बहुत टाइम लगा, रूटिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद सेट बूट करने में बहुत टाइम ले रहा था और आपके पास भी यही होगा, लेकिन आपको वेट करें और बी पेशेंट और फाइनली सेट जो है बूटिंग शुरू कर देगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारा सेट रूट हुआ है कि नहीं। एप्लीकेशन में जाइएगा और यहाँ आपको सुपर एसयू का सॉफ्टवेयर नज़र आएगा अगर हमारा सेट रूट हुआ हो। यस, आप देख सकते हैं सुपर एसयू इज ऑलरेडी देयर, इट्स मीन कि हमारा सेट रूट हो गया है। अब कंफर्मेशन के लिए मज़ीद हम सुपर एसयू को ओपन करेंगे, इससे पहले आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर लें या फिर अगर आपका मोबाइल डेटा आपके पास पैकेज हो तो आप अपने पैकेज को ऑन करें। ये इसलिए मैं करता हूँ इनके सम टाइम सुपर एसयू जो है वो कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, लाजमी चाहता है सम टाइम। मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब भी मैं ये मोबाइल डेटा या वाईफाई लाजमी ओपन करता हूँ। अब सुपर एसयू को मैं ओपन करूँगा, स्टार्ट पर क्लिक करें, नो थैंक्स एंड डन। सेट मेरा रूट हो गया है गैलेक्सी S5 डोकोमो LTE आपको नज़र आ रहा है, LTE 4G मेरा जो है वो ऑन है। और ये प्रोसीजर था गैलेक्सी S5 डोकोमो जापान सेट वाले को रूट करने का और मैंने अपने सेट को प्रॉपरली और टोटली रूट कर दिया है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी फ्रीजिंग एप्लीकेशंस की जो गैलेक्सी S5 डोकोमो में आती है और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लिहाजा उसको कैसे फ्रीज करेंगे वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।